की सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने को लेकर भले ही आए दिन आदेश पे आदेश करती हो, लेकिन अगर उसके पालन की बात कही जाए तो जब से जिलाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह का आगमन कुशीनगर में हुआ है, तब से कानून व्यवस्था फेल साबित होता नजर आ रहा है। वहीं जिले के पुलिस अधीक्षक भी कानून का पालन करने वहीं जिले के पुलिस अधीक्षक भी कानून का पालन करवाने में असमर्थ साबित होते नजर आ रहे हैं। वहीं आए दिन मीडिया के द्वारा खबर चलाने के बाद भी अधिकारियों पर कोई असर नहीं। अगर होता तो न्याय के लिए भटक रहे फरियादी आज इस नौबत तक नहीं आता, जो आज जिला अधिकारी कार्यालय पर देखने को मिला। जो तैनात होमगार्ड जवान पर हमले की खबर मिलते मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी कुशीनगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार पांडे ने मौके का निरीक्षण कर अस्पताल पहुंचकर आवश्यक जानकारी ली। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय पर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के मेन गेट पर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी होमगार्ड सुदामा नाम बताया जा रहा है। उक्त होमगार्ड को जिसके द्वारा हमला किया गया उसका नाम इनायत अली ग्राम सभा नेबुआ नौरंगिया बताया जा रहा है, लेकिन अब तक कारण का पता नहीं लगा, जिसके द्वारा धारदार हथियार से गर्दन पर वार करके घायल कर दिया गया। मारने वाले का भी इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। होमगार्ड कर्मी के हालात नाजुक बताई जा रही है, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि हमलावर को लोगों ने पकड़ कर पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बारे में जिलाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से पूछे जाने पर कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक वह फरियादी जिले के अधिकारियों का चक्कर लगाकर नाराज था। बार बार फरियाद करने के बाद कि कोई सुनवाई नहीं होने की दशा में होमगार्ड द्वारा फरियादी को धमकाया जा रहा था, जिससे नाराज फरियादी ने होमगार्ड पर हमला कर घायल कर दिया। जिलाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह कार्ड में लग गया है, क्या है मामला और क्या अभी आज भारत निर्वाचन आयोग का डीसी था, तो उसमें हम लोग शामिल होने के बाद अपने कार्यालय कक्ष में बैठ करके जनता की सुनवाई हम लोग कर रहे थे। लगभग 12:35 बजे बाहर एक घटना हुई, लोगों ने हल्ला किया तो हम लोग बाहर निकले। एक दो होमगार्ड जो है जो गेट पर ड्यूटी पर आते हैं दोनों राइफल धारी थे, उसमें से एक आदमी घायल पड़ा था, दूसरा ने बताया वो ड्यूटी कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति इनायत अली उसका नाम है वो आया और साथ में एक गोला भी लिए हुआ था। मिल लोगों ने कहा कि ठीक है जाओ साहब बैठे हैं मिल लो, उसने कहा कि अभी दूर से आया हूँ और थोड़ा छाया में खड़ा होने का मिल लोग के पीछे ही जब पीछे बगल में पेड़ था तो वहाँ पे पास गया अपना गोला रखा, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, गोले में से भुजाली निकाला है, भुजाली निकाल कर पीछे से आकर उसके गर्दन पर वार कर दिया, लगभग 3 वार किया। दूसरा होमगार्ड जो था उसने हल्ला बचाया, हल्ला सुन करके सभी लोग बाहर निकले, हम लोग बाहर आए सब लोग घेर लिए तो हाथ में भुजाली दिया, उसको लोगों ने कहा कि भुजाली फेंक दो, गिर गया था इसमें भुजाली फेंक दिया तो लोगों ने कर लिया पुलिस भी आ गई। जो होमगार्ड घायल था उसको गर्दन के कारण चोट लगवा रहे थे, उसको कपड़े से बाहर कर फोन रखते जिला तत्काल पहुँचाया गया, यहाँ पर उनका नमस्कार। वो हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है और यहाँ आने पर कोई सुनता भी नहीं था। किस तरह का इंसाफ था? गार्ड से क्या दुश्मनी थी? गार्ड से क्या दुश्मनी थी? पुलिस तो हमेशा रक्षा करने का काम करती है, तो हम मुकदमा जो किए थे उसका इंसाफ नहीं हुआ यार। तो उसमें गार्ड का क्या रोल था कि गार्ड पे आप क्या गलती थी, इसे क्यों मार दिया तुमने? गलती नहीं थी, हमको कहीं कहीं समझ जब तक वो शुरू नहीं करते तब तक कोई सुनता नहीं। फसड़ वाले अपने कहने मार लिए थे हैं करण भारत कुमार जैसा बनाना चाह रहे। अब उस आप को उस तुम्हारे साथ और कोई था? तुम्हारे साथ और कोई था ना? वो कहाँ चला गया? वो कहाँ चला गया कि वो नहीं आया तो तुम मार दिए? अगर आप ओके
अरे चुतरा पे जब प्रयास दें गिरी अगर ना तब सही मसला अधिकारी नेता यही लोग हल करेंगे हमारा जो पाँच साल से दौड़ते हुए कोई अपनी सोचा ही नहीं है लाइव चला रहा था।